दोस्तों, तारीख के सफ़र में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं अली और आज मैं आपको लेके आया हूं शहर औरंगाबाद में मौजूद नौखंडा पैलेस में दोस्तों। और इसी नौखंडा पैलेस में मौजूद है हैदराबाद के पहले इंडिपेंडेंट निज़ाम मीर कमरुद्दीन निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ का तख्त और उनका दरबार, जहाँ आज से तकरीबन 300 साल पहले यानी 1724 में उनकी तख्त नशीनी हुई थी, यानी उनकी कोरोनेशन सेरेमनी हुई थी। दोस्तों, 1724 में हैदराबाद के पहले निज़ाम यानी असफ जाही डायनेस्टी के पहले रूलर निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ का कोरोनेशन सेरेमनी यानी तख्त नशीनी इसी नौखंडा पैलेस में हुई थी, इसी दरबार में हुई थी। और दोस्तों, आज भी उनका तख्त यहाँ मौजूद है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नौखंडा पैलेस और नौखंडा पैलेस की हिस्ट्री, निज़ामुल मुल्क का दरबार और उनका तख्त बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि हर राजा अपने रहने के लिए एक महल बनाता है, वैसे ही औरंगाबाद में मौजूद नौखंडा पैलेस है। अहमदनगर के निज़ाम शाही डायनेस्टी के वज़ीर मलिक अंबर ने सन 1610 में औरंगाबाद को बसाया और सन 1616 में अपने एम्पायर को रूल करने के लिए और रहने के लिए इस नौखंडा पैलेस को बनाया। मलिक अंबर को फाउंडर ऑफ औरंगाबाद भी कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको ये दरबार और ये तख्त के बारे में बताता हूँ। मीर कमरुद्दीन निज़ामुल मुल्क औरंगज़ेब आलमगीर के सेनापति थे, लेकिन 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की मौत हो गई। औरंगज़ेब की मौत के बाद मुग़ल दरबार में होने वाली साजिशों के कारण निज़ामुल मुल्क औरंगाबाद आ गए और मुग़लों से अलग हो गए और ख़ुद को डेक्कन का यानी हैदराबाद स्टेट के इंडिपेंडेंट रूलर होने का ऐलान कर दिया। और ईयर 1724 में यानी आज से तकरीबन 300 साल पहले इसी नौखंडा पैलेस में, इसी दरबार में अपना कोरोनेशन किया, अपना राज्याभिषेक किया यानी तख्त नशीनी की और बन गए हैदराबाद के पहले निज़ाम। दोस्तों, एक दौर था कि जब इस दरबार में बादशाहों का गुजर बसर हुआ करता, लेकिन आज ये दरबार बिल्कुल वीरान पड़ा है। दोस्तों, यही वो मस्जिद है जो कि मलिक अंबर ने नौखंडा पैलेस में बनाई थी। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।